वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। देश की राजधानी दिल्ली में अब चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है, क्योंकि यहां की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को वोटिंग होनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सारी सीटों पर बाजी मार ली थी। इस बार बीजेपी को हराने के लिए आपने कांग्रेस से गठबंधन करने की कोशिश की थी, जो कि सफल ना हो सकी। इसलिए हर सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वैसे तो दिल्ली की हर एक सीट हॉट सीट है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली की सीट पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राघव चड्ढा चुनावी मैदान में हैं। राघव चड्ढा का मुकाबला मशहूर मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह से होगा। राघव चड्ढा ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास प्रॉपर्टी और पैसे के नाम पर कुल जमा 16 लाख रुपए हैं। ऐसे में राघव ने चंदे के लिए पैसा कहां से जुटाया? साथ ही दक्षिणी दिल्ली का सियासी समीकरण क्या कहता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ समय पहले अखबार में छपा था कि गौतम गंभीर दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, तो वहीं राघव चड्ढा दिल्ली के सबसे गरीब उम्मीदवार। राघव बताते हैं कि उनके पास ना गाड़ी है, ना जमीन और ना ही बंगला। ऐसे में इलेक्शन को फंड करने के लिए उन्होंने चंदा जुटाया। राघव ने बताया कि मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ा, मेरे स्कूल से पिछले 60 साल में जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं उनसे मैंने संपर्क किया। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने उत्तर भारत के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क किया, अपने परिवार वालों से मैंने संपर्क किया। मैं आम आदमी पार्टी को पिछले कई सालों से चंदा देने वाले लोगों तक भी पहुँचा। हमें कम चंदा चाहिए, बिना बड़ी पूंजी और बिना कॉरपोरेट की मदद से भी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं। उनकी उम्र 30 साल है और वे पेशे से एक CA हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। राघव को लेकर लड़कियों में भी दीवानगी की कमी नहीं है। उन्हें जैसे ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया, वैसे ही उनके पास शादी के ढेरों प्रस्ताव आने लगे। राघव बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं और वे क्रिकेट के भी फैन हैं। राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली की सीट पर खूब जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली की सीट पर जाट और गुज्जर मतदाता काफी संख्या में हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने इसे ध्यान में रखते हुए ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने गुज्जर समुदाय से आने वाले रमेश विधूड़ी को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इसी के साथ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के दलबीर सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला राघव चड्ढा के लिए आसान नहीं होगा। हर एक नेता चुनावी रण में एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी दलबीर सिंह ने बीजेपी और आप पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा, दोनों ने जनता को ठगने का काम किया है। आम आदमी की कोई कदर नहीं है। दक्षिणी दिल्ली में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोगों के घरों में नाली का पानी जा रहा है, जिसको लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल में लोगों ने केस दर्ज किया है। क्या ये विकास है? लोकल दलाल, विधायक, सांसद की आड़ में सभी गलत काम हो रहे हैं। मोहल्लों में अवैध शराब बिक रही है, लोगों को ये बर्बाद कर रहे हैं। मोदी और केजरीवाल के नाम पर स्थानीय समस्या का निवारण नहीं हो सकता। राघव चड्ढा हो या रमेश विधूड़ी, किसी से भी ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी है। मैं दक्षिणी दिल्ली के लोगों से मिलने के लिए डोर टू डोर जा रहा हूं और उन्हें जागरूक होकर वोट देने के लिए अपील करूंगा। राघव चड्ढा का कहना है कि इस बार लोग काम के नाम पर वोट देंगे, राम के नाम पर नहीं। दक्षिणी दिल्ली में लोगों को पानी, सड़क, सीवेज सिस्टम जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। उनकी सरकार लोगों को जरूरी सुविधाएं देने पर काम करेगी। जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद वे इस दिशा में अपना ध्यान लगा पाएंगे। 12 मई को वोटिंग होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की 7 सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। आप भी मतदान के लिए जरूर जाएं और क्षेत्र में विकास करने वाले प्रत्याशी को ही चुनें, और साथ ही सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता.com को।